पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोरोना वायरस से पूरा देश अभी भी जूझ रहा है। दूसरी लहर भले ही अभी शांत होती उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, लेकिन अभी भी सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरों का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी को लेकर आज कटरा नाज में वरिष्ठ व्यापारी नेता दीपक अग्रवाल के द्वारा मास्क का वितरण किया गया और सभी को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी दूसरी लहर पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है, इसीलिए सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस दौरान बिना मास्क के जो लोग नजर आए उन सभी लोगों को मास्क वितरित किए और सभी से कोरोना वायरस से सतर्क रहने की अपील की। इस दौरान अन्य व्यापारी नेता भी मौजूद रहे। आज कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद तीसरी लहर की तैयारी चल रही है। इसकी रोकथाम के लिए हम लोग लगातार पहली लहर से लगातार मास्क बांट रहे हैं और हम कॉटन के मास्क बांटते हैं और कॉटन का मास्क जो है सर चेहरे पे नुकसान नहीं देता, ये कॉटन का होता है और सांस लेने में भी आसानी होती है और ये भरपूर काम करता है। क्या आप भी करना चाहेंगे लोगों से? मैं कहना चाहूँगा कि दो गज की दूरी और मास्क या जरूरी और साबुन से हाथ धोते रहें। जिस तरह हम अब तक कोरोना को हराते आए हैं, कुछ खोने के बाद अपने लोगों को भविष्य में न खोना पड़े और कोरोना को हम यहाँ से वापस बिल्कुल विदा कर दें, जिससे हमारा देश सुख से चमन से रह सके।